जो रामचरित मानस जैसे महाकाव्य जो भगवान राम के जीवन पर आधारित तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरित मानस के बारे में यह कहना कि नफरत पैदा करता है। और कुछ दिन पहले जगता बाबू का बयान आया कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो नफरत की ज़मीन पर बन रहा है, कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनके लिए राम जन्मभूमि का मंदिर नफरत की ज़मीन पर है, रामचरितमानस ये नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो राज्यद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको, सुशील कुमार मोदी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया रामचरित्र मानस के लेकर, जिसके बाद पूरे देश में इस बात की निंदा हो रही है। और अब सुशील कुमार मोदी का कहना है कि अब तक वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को जगह जगह पर काला झंडा दिखाना चाहिए। अगर कोई कॉलेज में जाना चाहे तो उन्हें घुसने नहीं देना चाहिए। यह बात आज सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने इस बात को कहा। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर को लेकर जो है जेडीयू की तरफ से भी बयान सामने आया है, जेडीयू कोटे से जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका भी कहना है कि उनको इस बयान का जो है वापस लेना चाहिए, इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो सभी धर्मों को लेकर चलते हैं और अब जो उन्होंने बयान दिया है तो इस बयान को उनको वापस लेना चाहिए। लेकिन सुशील कुमार मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार को भी इस बात की जानकारी नहीं है, और साथ ही साथ जो इस तरीके से बयान दे रहा है जगदानंद सिंह को भी उन्होंने कहा, और साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री हैं उनको लेकर भी कहा कि इन लोगों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, सुनवाते हैं बयान। नहीं देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। और मैं बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को कॉलेज में घुसने न दिया जाए। अगर वो कहीं भी कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं उनको काले झंडे दिखाएं, उनको वापस करें, उनको कॉलेज में घुसने नहीं दें। जो रामचरित मानस जैसे महाकाव्य जो भगवान राम के जीवन पर आधारित तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरित मानस के बारे में यह कहना कि नफरत पैदा करता है। और कुछ दिन पहले जगता बाबू का बयान आया कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो नफरत की ज़मीन पर बन रहा है, कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनके लिए राम जन्मभूमि का मंदिर नफरत की ज़मीन पर है, रामचरित मानस ये नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो राज्यद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो समाज में विद्वेष पैदा करता है। अगर इन्होंने किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इस प्रकार का अगर वाक्य प्रयोग किया होता तो शायद उनके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल होता। तो इसलिए अगर उनमें हिम्मत है तो अन्य धर्मावलंबियों के भी ग्रंथ में बहुत तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं जिस पर मतभेद हो सकता है, और उस पर टिप्पणी करने को की उनको हिम्मत रही है, और हिंदू धर्म की सहिष्णुता का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए। और नीतीश जी कह रहे कि मैं बात करूंगा, मुझे नहीं मालूम है। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेशर्मी के साथ डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और नीतीश जी को अविलंब ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए।